नमस्कार, इंटर टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। जनता बोल रही है कि गरीबों की मसीहा केतकी सिंह। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बाष्टी विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी केतकी सिंह जनता बोल रही है कि इस बार प्रचंड बहुमत से जीत हासिल होगी। बाष्टी विधानसभा के कर्मठ सहयोग ईमानदार हर दुख सुख में साथ देने वाली गरीबों की मसीहा केतकी सिंह को आज पूरे बाष्टी विधानसभा में हर जाति धर्म के लोगों का समर्थन मिल रहा है। आज बहुत ही खुश नजर आ रही थी। आज जनता का प्यार देखकर खुशी के आंसू देखने को मिल रहे थे। किस विधानसभा से हैं? बांसी विधानसभा से। किसको चाहते हैं सरकार बने, किसको चाहते हैं आपके विधायक हो? सुनिए, हम तो सरकार के नाम पर किसी को चाहते ही नहीं। जी ठीक है। एक चीज हाँ, जो भी आज तक सरकार में आया है, हाँ, पैर पकड़ के लोगों को फुसलाने और बहलाने का भी का ही काम किया है। आज तक किसी ने जनता की मूल समस्या पर या जनता की किसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया है। अगर वो एक गाड़ी से चल रहा है, एक बार विधायक हो गया तो उसके पीछे 15 गाड़ियां चलती है। कहाँ से उसका बाप रिजर्व बैंक का गवर्नर है जी। तो लेकिन देखिए सरकार यहाँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कम से कम 5 साल के लिए मिलिट्री शासन हो, किसी का शासन ना हो। तो इस बार लोटा को मांगेंगे वोट है? इस बार किसी को नहीं वोट मांगेंगे। तो वही लोटा होता है। हाँ, लोटा तो हम शुरू से लोटे हैं हम। सुनिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप चूंकि मीडिया वाले हैं, आप किसी चीज से जुड़े हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हृदय पे हाथ रख के पूछिए कि क्या आप चाहते हैं कि ये जितने लोग हैं, क्या कभी जनता के सुख दुख को भी समझे हैं? संक्षेप में मार के कहने का समर्थन मूल बात बात ना, आप अपने दिल पे हाथ रखिए। तो अभी आपका क्या विचार है? अभी चुनावी माहौल पर इसका तात्पर्य है तो आपके बातों से लग रहा था आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि अभी वो लड़का कहा, हाँ, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि व्यक्ति विशेष, हाँ, जबकि जनतंत्र है, जनतंत्र में व्यक्ति विशेष का कोई महत्व ही नहीं होता है जी। और दूसरी चीज, व्यक्ति विशेष की बात आप सुन लिए हुआ या नहीं हुआ जी। लेकिन यहाँ तक अभी यह स्थिति 75 सालों में यह नहीं बनी कि हमारा प्रतिनिधि हमारी बात भी सुन सके। करना होना तो ये अलग की बात जी। तो मतलब ऐसा आपके नजर में कोई प्रत्याशी नहीं तो जो जनता के हित के लिए सोचे? कोई प्रत्याशी नहीं है जनता का हित। आज 75 वर्षों में क्या सोचा गया? चुनाव आता है तो उनके खिलाफ उनकी प्रतिक्रिया होती है, उनके खिलाफ उनकी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन चुनाव के बाद ये सारी प्रतिक्रिया खत्म हो जाती है। इसलिए कि चुनाव के बीच हम लोग होते हैं प्रतिक्रिया में, अरे भाई हो ढेर भेजा यहाँ लोग कहता है करे के वोट दे दो। लेकिन आप उनसे पूछिए, आज जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उन प्रतिक्रियाओं में कोई भी ऐसा है जो दागदार ना हो और जिसको जनता अपना समझे? पढ़े लिखे लोग तो ऐसा नहीं कर सकते जी। जी, मनीष कुमार प्रसाद। किसको चाहते हैं विधायक बनाना? देखिए, वो सपा है या भाजपा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मान लीजिए हम लोग इंडिया के भी हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हैं, हम लोगों का जाति नहीं बना तो मान लीजिए हम किस देश को माना जाए? यहाँ के नहीं है तो कहाँ के हैं? तो क्या वोट तो मानेंगे किसको? वोट तो मान लीजिए देना ही है, हाँ, भाजपा को दो या सपा को दो, लेकिन मान लीजिए हम लोग कोई क्लियर ही नहीं है कि हम किस जाति में आते हैं। मतलब आपका ये सवाल है तो आप लोटा मारेंगे? लोटा मारेंगे मान लीजिए कि वो तो सपा को दे या बीजेपी को दो, किसी को देना है, लेकिन ये क्लियर नहीं है मान लीजिए हम लोग किस जाति के हैं। लोटा भी मार सकते हैं, लोटा लोटा ठीक है। मेरा नाम संजय कुमार सिंह पड़ता है जी। संजय जी, किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं? मैं बांसडी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ जी। किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र से विधायक बने? मैं तो सबसे पहले यहाँ एक किसी ईमानदार छवि का चाहता हूँ, जो शिक्षा और रोजगार और शिक्षा रोजगार दे, ईमानदारी से विधानसभा का विकास हो, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ विकास हो नहीं पा रहा है जी। किसको चाहते हैं इस बार? जैसे मैं किसी पार्टी विशेष का नाम तो नहीं रखना चाहता हूँ जी, लेकिन समय के अनुसार जो भी बहुत सारी पीछे से जो चीज़ें आ रही हैं
वो काम विकास के नज़र में हो नहीं पा रहा है। जी जी। तो यहाँ शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। जी जी। और ऐसा चाहिए नेता जो कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में अच्छा काम करे। आपके क्षेत्र में कई प्रत्याशी हैं, चाहे कि विभिन्न पार्टियों से निर्दल भी हैं, तो इसमें किसी को आपको नजर आया कौन से प्रत्याशी इसमें अच्छे हैं जो आप कह रहे हैं? अब प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, चरित्र बल पे तो देखा जाए तो किसी का भी चरित्र बल रह नहीं गया है, लेकिन इन्हीं जब इन्हीं यही लोग लड़े हैं, ऐसे ही लोग लड़े हैं, तो इन लोगों में किसी न किसी को तो चुनाव करना ही पड़ेगा। तो उस दौर में हमें दिख रहा है कि भाजपा के कैंडिडेट यहाँ कुछ चरित्र बल के आधार पर कुछ अच्छा है। कीर्ति सिंह अच्छी हैं। रंजीत कुमार सिंह, साना भीम सिंह। किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं? बांसडी विधानसभा से बिलोंग करते हैं। अभी चुनाव का माहौल है, किसकी चाहते हैं सरकार पुनः आए और अपने क्षेत्र से किसको चाहते हैं विधायक बने? अभी हम फिलहाल में भाजपा की ही सरकार चाहते हैं जी, और हमारे विधानसभा से नेता हैं केतकी सिंह बीजेपी के जी। तो अगले बार भी तो निर्दल उठी थी, कुछ ही वोटों से हार गए थे। हाँ, 1500-1600 वोटों से हारे थे। हाँ। बीजेपी का टिकट नहीं मिला था उस टाइम, गठबंधन में भाजपा और बीजेपी और के थी, इसके लिए नए टिकट में मतलब किस किस्म चाहते हैं? राम गोविंद चौधरी के 15 साल हो गए यहाँ पर, उनको नहीं चाहते हैं क्या बोलो? राम गोविंद विपक्ष के नेता भी हैं और विधायक भी, 15 साल रहे हैं बांसडी विधानसभा के, लेकिन उनके कार्यकाल में कोई विकास नाम का काम नहीं हुआ जी। इसलिए आप लोग कितने चुनते हैं? मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह। किसको चाहते हैं आप क्षेत्र का विधायक हो और किसे चाहते हैं सरकार बने? हमारे क्षेत्र का विकास विधायक ऐसा हो जो मान लीजिए जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग चुनते हैं और विकास करें, लेकिन ऐसा कोई भी विधायक नहीं हो रहा है, कोई भी पार्टी का हो विकास नहीं कर रहा है जी। इस बार क्या आपकी राय है? इस बार हमारा राय है माननीय पूज्य योगी जी को फिर हम लोग लाए। आपके क्षेत्र से कौन प्रत्याशी हैं? हमारे क्षेत्र से माननीय केतकी सिंह हैं प्रत्याशी। उनको आप लोग जिताना चाहते हैं जी? आपके क्षेत्र में राम गोविंद चौधरी प्रतिपक्ष नेता विधायक भी हैं जी, वो विधायक हैं माननीय, 10 साल से विधायक हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो कितना विश्वास है वो अच्छा काम करेंगे अपने क्षेत्र में? जी। सुदर्शन सिंह जी, किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं? बांसडी विधानसभा से बिलोंग। किसकी चाहते हैं, क्या आपकी प्रक्रिया है चुनाव? हमारी प्रक्रिया तो ये बता ही रहे हैं ना जी, जी। मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात जरूर है कि हमारे बीजेपी सरकार में 5 साल के अंदर जो विकास के कार्य हुए हैं, रोजी रोटी का जहाँ तक सवाल है, नारी सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है जी जी, इसमें विकास जो है दिखाई दे रहा है जी। और हम लोग चाहेंगे कि मोदी हो या योगी, जब तक रहें बीजेपी की सरकार रहे। आपके क्षेत्र से कौन विधायक है? हमारे यहाँ से विधायक भाजपा की केतकी सिंह हैं। उनको आप पसंद करते हैं? और केतकी की सुबह हमें पसंद करते हैं कि वो हमारे बीच आती हैं जाती हैं, वो विशेष व्यक्ति के पास नहीं जाती जाती है। हमारे ऑटो वक्त विनीत सिंह बेदुर, छात्र नेता कुंवर सिंह पीजी कॉलेज बलिया जी। कहाँ से आ रहे हैं साइकिल से? मैं साइकिल में सुबह में अपने क्षेत्र में अपने लोगों से मिलता हूँ, लोगों के सुख दुख में जलता हूँ। आज किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र का विधायक हो? लगातार मैं लगभग 15 वर्षों से लोगों के सुख दुख में, हमारी श्रीमती केतकी सिंह जी लोगों के हर एक सुख दुख में आने का कार्य करती हैं, और हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और केतकी सिंह यहाँ की विधायिका बने जी। राम गोविंद चौधरी का कार्यकाल कैसा रहा है? राम गोविंद चौधरी का कार्यकाल कुछ लोगों में सीमित रह गया, और वहाँ हर गांव में जहाँ सबसे बड़ी मकान और बिल्डिंग दिखती है, वहीं राम गोविंद चौधरी आने का कार्य करते हैं और उन्हीं लोगों के पास आते हैं व्यक्ति विशेष पर, और पैसे से वोट खरीदने का कार्य करते हैं जी। इसका मतलब केतकी को चाहते हैं? केतकी को भारी मतों से जीत दिलाना है, और इस बार पूरे पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत यहाँ बांसडी में होगी जी। ठीक है। मंजे चौरसिया। चौरसिया जी, किस गांव से बिलोंग करते हैं? ये भोजपुर गांव से। किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र का विधायक हो, किसे चाहते हैं सरकार बने? देखिए, इसमें क्या है कि मान लीजिए कि जो भी कोई भी सरकार आ रही है तो कोई भी भलाई कर रही है, कोई तो बुराई कर नहीं रही, लेकिन आपका क्या मत है? हम लोग का मत ये है कि मान लीजिए कि 5 साल में कोई
प्रोग्रेस बच्चों का नहीं हुआ है। सबसे बड़ा चीज़ है कि बच्चों का कुछ हो, पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी चाकरी से लेकर सब व्यवस्था मिले, और ये ना कि कुछ और मिलने से थोड़े नहीं होगा भाई। बच्चों अपना लाइफ देखें, नौजवान नौजवान भी अपना जो समस्या है वो भी अपना देखें। आपके क्षेत्र किसको जानते हैं? हमारे क्षेत्र से मान लीजिए कि जो हम लोगों का मुख्यमंत्री अगर अखिलेश यादव भी बन जाए तो भाई हम लोगों का पूरा जो है क्षेत्र का भी कभी कुछ कर सकते हैं, ऐसा बात कोई नहीं है जी। तो मतलब तात्पर्य तो राममोहन चौधरी को जानते हैं? राममोहन चौधरी विधायक बनेंगे। ठाकुर किसको चाहते हैं इस बार विधायक बने? इस बार विधायक केतकी सिंह को चाहते हैं जी। इसके अलावा भी तमाम प्रत्याशी हैं, राममोहन चौधरी हैं, मानती देवी हैं, कनक पांडे हैं, तमाम प्रत्याशी हैं। इस अभी ये लोग नए प्रत्याशी हैं, इनसे अभी उतना जुड़े नहीं हैं, ना ये लोग क्षेत्र में उतना रहे हैं। केतकी सिंह लगातार 15 साल से रही हैं, उन्होंने विकास का कई मुद्दे रखे हैं, और पिछली सरकार जिसकी पिछली सरकार में जो विधायक रह चुके हैं इतने दिनों में कोई काम नहीं हुआ है, ना नाली सही हुई है, ना सड़क सही हुए हैं, ना कोई पुलिया बना है, जहाँ तहाँ जैसे पड़ा है वैसे। केतकी सिंह पर विश्वास है? हाँ, केतकी सिंह पर पूर्ण विश्वास है हमें जी। मेरा नाम सनी सिंह है जी। बाहर विधानसभा से बिलोंग करते हैं जी। इस बार आप युवा है, क्या चाहते हैं? किसकी सरकार होनी चाहिए, किसकी आपके बाई जैसे विधायक होने चाहिए जो आप जी? हम ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार आए। हाँ। और हम भाजपा से या बाजी से केतकी सिंह को भी चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी नेतियाँ हैं, और राम गोविंद चौधरी इस समय फिलहाल कुछ कार्यकाल नहीं कर पाए, इस समय जो व्यतीत वर्तमान में रह चुके हैं 5 सालों में। आप इस समय केतकी को चाहते हैं जी? बिल्कुल। क्या आप ही चाहेंगे, आपके दोस्त मित्र या घर? बिल्कुल, सब लोग हैं सिंह। डॉक्टर जी कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं अपने। घर जा रहे हैं। किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं? बांसडी। किसको चाहते हैं आपकी सरकार पुनः, किसको चाहते हैं? तो हमारी घर ही की भौजाई है, भवा है, या जो भी है खड़ी है, केतकी सिंह भाजपा का है, तो उनको चाहते हैं? उन्हीं को चाह रहे हैं। उनकी कार्यकाल कैसा रहा, राममोहन चौधरी को याद नहीं? उनका भी था, लेकिन जानते ही हैं कि जिसका सरकार होता है या जो विधायक रहता है उनसे तो आदमी कुछ नाराजगी समझिए या जो भी समझना है समझिए, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन 5 साल के बीच में कोरोना काल में एक बार भी विधानसभा नहीं राउंड किए हैं। अच्छा, मतलब इसे केतकी को आप लोग चाहते हैं? हाँ, ये तो कन्फर्म है कि इस बार हम लोग केतकी को चाह रहे हैं। अरविंद सिंह। किस गांव से बिलोंग करते हैं? भोजपुर से। किसको चाहते हैं इस बार आपके क्षेत्र का विधायक हो, किसकी चाहते हैं सरकार हो? बीजेपी। आपके क्षेत्र से किसको चाहते हैं? केतकी से। केतकी से चाहते हैं। यहाँ राम गोविंद चौधरी लगातार 3 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, प्रतिपक्ष नेता आज वर्तमान समय में, इनकी कार्यकाल को कैसा रहा इनका कार्यकाल? ठीक है, लेकिन जीतने के बाद एक बार भी क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया। एक बार किसको चाहते हैं अभी? लोग चाहते हैं जो बीजेपी बदलाव हो। बदलाव हो, मतलब चाहते हैं बीजेपी आए जी। बाबूलाल राम। किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं? बांझ विधानसभा से। किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र का विधायक हो? किसकी चाहते हैं? किसकी? मोदी को चाहते हैं। मोदी जी। आपके क्षेत्र से किसको चाहते हैं विधायक बनाना? किसको चाहते? केतकी सिंह को। केतकी सिंह को चाहते हैं। राम गोविंद चौधरी का कार्यकाल कैसा रहा? हाँ, जब जीत के जाते हैं तब से घर आते नहीं है। नहीं आते हैं? नहीं, गांव में आते नहीं है, इसीलिए कितनी चुनता है। हाँ यस। किस गांव से हैं? हम इसी गांव से हैं। हाँ, इसी गांव के हैं। तो किसको चाहते हैं विधायक बना रहे? केतकी सिंह को चाहेंगे भाई, जिताएंगे हम। मैंने उन्हीं को जिताएंगे। हाँ। कैसी महिला है वो? किस तरह की महिला है, काम करेंगी? हाँ, सब पहले ही से सब काम करते आ रही हैं। अच्छा काम करती हैं? हाँ, अच्छा काम। नाम? नाम लाल जी। लाल जी, केकरा के चाहते रहे बोले कि अपने क्षेत्र से विधायक बना रहे? केकरा के? हाँ, केकरा के वोट मारा? अच्छा, तो मारे का तो वोट मारे है क्या बात? मारे के बना। हाँ, केकरा के सरकार बनाए? सरकार के करो को छप्पा को को हमने के डबल बनी जाए, कहे का मतलब कि हमने के सब में बनी जाए, वहाँ में सबकी सरकार बना। हाँ, है सबको बनाना है। अच्छा, सबकी सरकार बने। ठीक बात। पड़ेगा पारसनाथ सिंह। पारसनाथ सिंह जी किस विधानसभा से हैं? बांडी विधानसभा। किसको चाहते हैं आप क्षेत्र का विधायक हो, और किसको चाहते हैं सरकार हो? भाजपा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। आपके क्षेत्र से विधायक कौन होंगे? केतकी सिंह जी। हम उन्हीं को आप लोग विधायक बनाएंगे? हाँ। प्रमोद कुमार गुप्ता। किसको चाहते हैं इस बार विधायक बनाना? केतकी सिंह को।
तमाम राम गोविंद चौधरी भी है, इसके अलावा भी तमाम प्रत्याशी हैं। राम गोविंद चौधरी पिछले कई वर्षों से यहाँ विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार केतकी सिंह आए और हमारे क्षेत्र और पड़ोस जो भी है उनका विकास करें। नंदलाल किस गांव से बिलोंग करते हैं? भोजपुर से। किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र के विधायक हो लोकप्रिय, कौन आपकी नज़र में अच्छे हैं? ओ कमल का फूल के। कमल का फूल, कौन प्रत्याशी आपके हैं? केतकी सिंह। केतकी सिंह रामपुर। किस गांव से बिलोंग करते हैं? गांव आप किस गांव के रहने वाले हैं? भोजपुर। भोजपुर नाम बताइए, किसको चाहते हैं इस बार विधायक बनाएंगे अपने? अरे विधायक केतकी के है। केतकी एक है। केतकी के उन्हीं को चाहते हैं? मदन प्रसाद। मदन प्रसाद किस गांव से हैं? भोजपुर। किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र का विधायक हो? योगी जी। योगी जी आपके क्षेत्र से प्रत्याशी कौन है? केतकी सिंह। केतकी सिंह पसंद करते हैं। मेरा नाम दीपक पासवान पड़ेगा। पासवान जी किस विधानसभा से हैं? बाढ़ विधानसभा से। किसको चाहते हैं इस बार विधायक बनाना? हम इस बार केतकी सिंह को चाहते हैं। केतकी सिंह को चाहते हैं? क्या उम्मीदें हैं जीतेंगे? 100% जीतेगी। 100% जीतेंगे। 100% आपको है? एकदम पूरा विश्वास है। जिंदर सिंह। किसको बाढ़ विधानसभा किसको चाहते हैं विधायक बने? केतकी सिंह को। केतकी सिंह को आएंगे। कार्यक्रम कैसा रहा राम मोहन चौधरी जी? खराब रहा है। राजेंद्र प्रसाद चौरसिया। चौरसिया जी किस विधानसभा से हैं? बारी से। किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र का विधायक बने और किसके चाहते हैं सरकार बने? ओके खाना कॉल जी बन जाओ। मतलब अभी कोई विचार नहीं है? अभी विचार नहीं किया, अभी सोच रहे हम लोग। लाल बहादुर जी किस विधानसभा से हैं? विधायक बनाए केतकी का? केतकी का समर्थन जल में। चाहते हैं आपके विधायक माननीय केतकी सिंह को। राम गोविंद चौधरी वो भी ठीक ही है, इसके अलावा भी सैकड़ों प्रत्याशी हैं आपके यहाँ? लड़ाई तो दो ही पक्ष की है और किसी में नहीं है? नहीं। आप किसको चुनते हैं? केतकी सिंह को। और किसको? किसको चाहते हैं विधायक बनना? केतकी सिंह को। राम गोविंद चौधरी कार्यक्रम कैसा रहा? वो लोग जीतते हैं उसके बाद चले जाते हैं लखनऊ। इनके अलावा भी तमाम प्रत्याशी हैं? हाँ नहीं, केतकी सिंह के साथ सहानुभूति जुड़ा होगा क्योंकि यहाँ से वो 15 साल से मेहनत की है। हाँ विक्रम राजभर। राजभर जी किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र का हो विधायक? हम लोग केतकी के समर्थन कर रहे हैं। केतकी क्षेत्र से कदम रसूल जी। किसको चाहते हैं आपके बाहर जैसे विधायक हो? हम किसको चाहते हैं? किस वोट मारेंगे ना सब बात सबसे राय करेंगे, जो कहेगा वही करेगा हम लोग। दवाही जी बाई जी से हैं। हाँ। किसको चाहते हैं विधायक बनाएंगे इस बार? हमारा विधायक बने केतकी सिंह। केतकी सिंह उनको चाहते ने? हाँ। उन्हें बनाए। हाँ। नाम अभिषेक कुमार सिंह है और मैं पहली बार वोटर हुआ हूँ और पहली बार वोट देने जा रहा हूँ। जी आप पहली बार हुए, आप युवा हैं जी, तो किसको चाहते हैं इस बार आप विधायक? हम यहाँ से केतकी सिंह को चाहते हैं विधायक बनाना और भारी मतों से जिताने जा रहे हैं हम लोग केतकी सिंह को। भारी मतों से जी। ललन सिंह। ललन सिंह बाहर की विधानसभा चाहते हैं। हाँ। किसको चाहते हैं इस बार आपके विधायक हो? केतकी को। केतकी को उनको चाहते हैं आप लोग? हाँ। दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद जी किस गांव से हैं? ग्राम भोजपुर। किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र के विधायक हो? किसको चाहते हैं दोबारा सरकार बने? अखिलेश को। अखिलेश जी अपने क्षेत्र से किसको चाहते हैं? राम गोविंद को। राम गोविंद चाहते हैं। उनके कार्यकाल कैसी रहा? अच्छी रहा। अच्छा रहा, मैं दोबारा उनको बहुमत जीत हासिल कर। हाँ। किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं? बांसुरी। किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र के विधायक हो? किसको चाहते हैं वोट देंगे? किस प्रत्याशी किस पार्टी को देंगे? किसकी चाहते हैं सरकार बने? हम लोग तो बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी चाहते हैं? हाँ। बाढ़ी से बीजेपी ही आए? हाँ जी। किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं? बाढ़ी। किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र के? केतकी।
केतकी सिंह को। राम गोविंद चौधरी भी हैं इसके अलावा भी कहाँ? वो 15 साल से यहाँ पर रह चुके हैं, लेकिन काम भी वो भी किए हैं, लेकिन मतलब इनको भी देखना चाहते हैं, जो हमारे अगले प्रत्याशी हैं इनको चाहते हैं। जितेंद्र कुमार ठाकुर। किसको चाहते हैं विधायक को आप? कैसे? हम तो चाहते हैं, हमारी सबसे पसंद है केतकी सिंह। और लोग? और क्या है? और कुछ हमें चाहिए नहीं, बस विकास चाहिए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।